इस पर कार्रवाई पहले से ही हो रही थी, लगातार हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ये भी था कि इनपुट्स पक्के हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, उस पर उसके बाद कार्रवाई होगी। तो इनपुट जब पुख्ता हो गए उसके बाद ही कार्रवाई की गई है, और इनपुट्स जब ये बताने लगे कि ड्रग्स कैरी किए जा रहे हैं, चरस MDM कैरी किया जा रहा है, साथ ही ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है, तभी कार्रवाई हुई। क्या इस तरह की पार्टियां अक्सर होती थी और अभी एक्शन में है इसलिए छापे पड़े और लोग पकड़े गए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या अभी देखिए, अभी गिरफ्तारी नहीं कही जाएगी लेकिन डिटेंशन हुआ है, डिटेन किया गया है लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए, और 8 लोगों को डिटेन किया गया, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है, और लगातार ये कार्रवाई आगे भी होगी क्योंकि जो भी इनपुट्स इन लोगों से मिल रहे हैं उसको ही इनपुट मानकर आगे भी कार्रवाई हो सकता है कई दिनों तक की जाए। लेकिन सर, झूठ के बड़े स्टार के लड़के शामिल हैं, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी, उनके लड़के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, NCB का काम ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री के लड़के और कौन शामिल हो रहा है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है, ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना, और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, और जो भी इसमें नेटवर्क में शामिल पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी ओहदे के लोग हों, कार्रवाई होगी। एक और सवाल सर, कि आमतौर पर मुंबई में तो क्या इस तरह की जो आयोजन हो रहे हैं, जिस तरह की जहाँ पर छापे पड़े हैं NCB का, इस तरह के पार्टियों में जो रेप पार्टी हो रहा है, ये पहली घटना है? इससे पहले भी बीच में हाल के दिनों में आप लोग को इनपुट मिला कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है? देखिए, होटल्स में पार्टीज और रेप पार्टीज रेजिडेंशियल एरियाज में, इसके बारे में तो पहले भी इनपुट्स आई हैं और कार्रवाई भी हुई है, और ये कोई नई बात नहीं है, मुंबई में हो चाहे दूसरे अर्बन सेंटर्स में हो, लेकिन ये कार्रवाई इसलिए की जाती है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यूथ जो है ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तो इसी के लिए कार्रवाई लगातार की जाती है। आगे भी आप लोग इस तरह की कार्रवाई और जारी रहने वाली है? जहाँ भी इनपुट्स मिलेगा वहाँ कार्रवाई होगी, और जैसा कि मैंने कहा, वो प्रसंग ये नहीं है कि किससे कनेक्शन है, कौन है, लगातार हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि एक ड्रग फ्री इंडिया हमारा ध्येय है, जो ड्रग मुक्त भारत, हमारा नशा मुक्त भारत हमारा ध्येय है।